दोस्तों आपके आधार कार्ड से कितने सिम रजिस्टर्ड हैं या कितने सिम चल रहे हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कैसे आप पता करेंगे, मैं आप आज बताने वाला हूं। चुटकियों में आप पता कर सकते हैं। ऑनलाइन गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च की है जिसके जरिए आप आधार कार्ड में एक आधार कार्ड से आपके कितने सिम इशू हुए हैं, उन सिमों को आप चला रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं चला रहे हैं उन सिम को कौन यूज कर रहा है, उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, आपके आधार कार्ड से कितने सिम इशू किए गए हैं, पूरा डिटेल बता देता है ये पोर्टल। तो इस पोर्टल के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, साथ साथ पूरा मेथड बताएंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए शुभम लगातार, मैं हूं उपेंद्र झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो फुल डिटेल जानने के लिए आपको अपने ब्राउजर पर आना, मोबाइल फोन पर आ सकते हैं या लैपटॉप पर आते हैं, और आपको टैफ कॉप लिखना है, TAFCOP टैफ कॉप लैसे लिखेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, टैफ कॉप कंज्यूमर पोर्टल, टेलीकॉम एनालिटिक फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसका फुल फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए वेबसाइट पूरी ओपन होकर आ जाती है, ये .gov.in भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट, देख सकते डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो चलाता है। इस पोर्टल के विषय में और आप जानना चाहते हैं तो नीचे आके पढ़ सकते सारे डिटेल। अगर हम इसकी बात करें टैप कॉप की, तो यहाँ पर ये कैसे आप पता करेंगे, ये देखिए पूरे डिटेल, आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या तेलुगु वगैरह में कर सकते हैं। तो जिसका भी पता करना है, सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर जो आप चला रहे हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करना है, और इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा जिसे सबमिट करके आपको बढ़ना है। तो चलो मैं यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरे ओटीपी आ चुका है, अब मैं एक ओटीपी डालकर यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं वैलिडेट पर क्लिक करूंगा, देखिए लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर आईडीज यहाँ पर दिखा देता है, जो इतने भी नंबर आपके रजिस्टर्ड है दोनों। देखिएगा यहाँ पर इस आईडी पर हमारे दो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, एक जिसमें लास्ट में 6004 है, सेकेंड नंबर भी लास्ट में 6004 ही है, स्टार्टिंग में 98 है, इसमें 83 है, फोर डिजिट बीच के यहाँ पर नहीं दिखाता सिक्योरिटी के पर्पज से। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों नंबर हमारे एक आईडी से रजिस्टर्ड हैं। आपको अगर आपको लगता है कि नंबर आप कोई इनमें से नहीं आप चला रहे हैं तो आप उसे यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए दिस इज नॉट माई नंबर पर क्लिक करके कंप्लेन कर सकते हैं, या नॉट रिक्वायर्ड इसको बंद करा सकते हैं, या रिक्वायर्ड वगैरह। तो यहाँ पर देखिए मेरे आईडी से दो नंबर रजिस्टर्ड हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यू मे चूज टू सिलेक्ट द नंबर्स दैट आर नॉट इन योर नेम और नॉट रिक्वायर्ड एंड सबमिट योर रिपोर्ट। आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये नंबर मुझे क्लोज कराना है, या मैं ये नंबर नहीं चलाता हूँ, कोई दूसरा तुम्हारे अगर सपोज दैट आपके आईडी से फेक नंबर चला रहा है तो आप पहचान लेंगे यहाँ से कि ये वाला नंबर मैं चलाता हूँ, ये कोई और चला रहा है, तो आप उसको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट आपका जो टैप की वेबसाइट वहां पर जाता है, उसको वेरीफाई करके उस नंबर को बंद कर दिया जाता है। तो एक बेहतरीन से सर्विस है जो कि भारत सरकार ने रन की है, ऐसे आप घर बैठे अपना चेक कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने बता दी है, डायरेक्ट वहां पर जाएं, क्लिक करें और नंबर डालकर ओटीपी डालकर आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, जिसे भी आप रिपोर्ट करना चाहें यहाँ पर क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं लॉग आउट करूंगा क्योंकि मेरे ही दोनों ये नंबर हैं, मुझे रिपोर्ट नहीं करना है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिससे आप कर पाते हैं। हालांकि ये अगर हम बात करें, जब आप ये पोर्टल ओपन करेंगे तो ये सर्विस जो अभी स्टार्ट की गई है दो वेबसाइट में, ये मैं लॉग आउट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, दो स्टेट में स्टार्ट की गई। पहला, करंटली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, अभी ये दो प्रदेशों में सर्विस स्टार्ट की गई है, जल्दी पूरे देश में सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी। हालांकि आप किसी भी प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो, आपको अभी फिलहाल ये दिख जाती है जानकारी, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, डालकर चेक करें, किसी भी ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो आपका दिख जाता है आईडी किस तरीके से लिंक है। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट करना है, आप चाहते हैं कि रिपोर्ट करें, तो वो अभी फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग ही कर पाएंगे। तो पूरा अपडेट या जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, ऐसा सब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और मैं अगला वीडियो जल्द ही लाऊंगा जिसमें आपको और भी बेहतरीन जानकारी दूंगा, इसलिए आप हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।